नमस्कार, हाउ टू ड्रॉ कार्टून में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। आइए, हम कार्टून सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यह कक्षा है दरअसल एक ऐसी जिसमें हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं और कोई सिखाने वाला नहीं है, हम स्वयं से सीख रहे हैं। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ कि हम सीख कहाँ से सकते हैं। हम सीख सकते हैं, देखिए, दैनिक जीवन में जो रेखाएं हैं, हम जो देख रहे हैं दृश्य, हम जिन लोगों को देख रहे हैं, जैसे अभी हम चेहरे बनाना सीख रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा है उस सर्किल को बनाने का। सर्किल मतलब चेहरा कैसे बने। तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें दरअसल चेहरों का अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा चेहरा, और ऐसा नहीं कि हम किसी को बहुत घूर घूर के देख रहे हैं। हमारे आसपास हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे संबंधी, जो भी सामने अनजान आदमी भी सामने आ रहा है, तो आपको उसमें क्या नजर आ रहा है। ईश्वर ने हर चेहरा अलग बनाया है, कोई दो चेहरे एक समान नहीं है। बहुत रेयरली ट्विंस के मामले में देखने को मिलता है। तो आप जरा देखिएगा उनके चेहरे में क्या विचित्रताएं हैं, क्योंकि हम कार्टूनिस्ट हैं तो हम चेहरे में विचित्रताएं ही देखेंगे। पोर्ट्रेट बनाएंगे तो हम चेहरे के सुंदरतम भाव देखेंगे। तो अब जैसे दो चेहरों के बीच का क्या अंतर होता है, कोई त्रिकोणी शेप का होता है, कोई चौकोर शेप का होता है, कोई गोल शेप का होता है, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की आंखें छोटी होती हैं, जिसे मजाक में कहते हैं बटन जैसी आंखें। कान किसी के बड़े होते हैं सूप जैसे, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। नाक का भी वही हाल है, किसी की नाक लंबी है तोते जैसी है, पकौड़े जैसी, विभिन्न प्रकार के नाम हमने रख रखे हैं। वही भौहों का हाल है, किसी की भौहें बहुत ही अच्छी शाहरुख खान जैसी हैं, किसी की बहुत मोटी हैं जो क्रूर सिंह जैसी। और बाल जो हैं वो तो दरअसल सबके अलग अलग तरीके से हैं ही, और कभी कभी प्रकृति उनके साथ कुछ भेदभाव भी कर देती है, किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के बहुत घने बाल रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना, किसी का ये वाला हिस्सा आप देखिएगा बिल्कुल डबल चिन होती है, किसी के सिंगल होती है, कोई जॉलाइन के साथ होता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन का मतलब ये है कि आप जब भी सामने कोई चेहरा आए तो उसे आप इस हिसाब से देखें कि भाई जब हम कार्टून ड्रॉ करेंगे तो इसकी कुछ चीज़ें हम जो है उसमें डालेंगे। तो आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं और उम्मीद है कुछ नया सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि चेहरा सिर्फ सर्किल ही नहीं है, जैसे हमने बात की कि चेहरे के कई प्रकार हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम ये सर्किल बनाएं, एक हो गया कि हम थोड़ा सा इसको तिकोना बनाएं, एक है कि थोड़ा सा चेहरा जो है वो चौकोर नुमा होता है, और एक है कि जो ये अंडे नुमा होता है, ठीक है ना। तो हम ये चार किस्म के चेहरे आपको बताते हैं। वही शुरुआत करनी है कि पूरा सर्किल यदि नहीं बन रहा है तो हम इसको आधा बनाएंगे पहले, और ये इसके कान बनाएंगे, और फिर सर्किल को पूरा कर देंगे नीचे से, ठीक है। और यूं 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 यूं, अब देखिए नाक का प्रॉब्लम है तो नाक थोड़ी बड़ी करिए, है ना। और यूं ना मुस्कुराते हुए इनको थोड़ा साइड से मुस्कुराइए, है ना। यूं यूं यूं, एक शरारती हंसी है असल में, ओके। अब ये थोड़े से तिकोने हैं, कहते हैं ना नीचे से थोड़ा सा, ये देखिए इनकी भी दो आंखें बनाइए और इनकी भी बड़ी नाक बनाइए, है ना, और इनको ऐसे बनाइए, ये देखिए इसमें और इसमें फर्क आया। अब ये थोड़े से भारी भरकम चेहरा जिसे कहते हैं ना, यदि ये ऐसे हो तो, यू यू यू, ये बहुत ही मंद मंद मुस्करा रहे हैं, और ये आप अंडाकार बनाइए इनको, संभाव से, इनके भी दो कान बना दीजिए। ये देखिए ये चार बहुत ही सरल रेखाओं से हमने आपको बताया। अब इनका हेयर स्टाइल आएगा समस्या, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। अब जैसे शुरुआत हम इनसे करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा यूं
अब इनका इनका भी आप देखिए, इनके थोड़ा सा घुंघराले बनाइए। और इनके थोड़े से यूं, अब इनके थोड़े फंकी कट बनाइए। ये चार चेहरे हो गए, इनको कॉलर वाला बनाइए शर्ट, इनको थोड़ा सा टी शर्ट पहनाइए, और इनको भी टी शर्ट पहनाइए लेकिन इनको थोड़ा सा चौड़े गले की पहनाइए। और इनको आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा नेता नुमा स्टैंड कॉलर जिसे कहते हैं, अब इनके अलग अलग आप चाहे थोड़ा सा डिजाइन भी दे सकते हैं, इनको चेक कर दीजिए, इनको ऐसे बिंदीदार बुंदकी जिसे कहते हैं, है ना। और इनको ऐसे इनको चाहे जैकेट बना दीजिए। तो ये देखिए ये हो गया। अब ये सब बनेगा कैसे, वही जो हम हर रोज कहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। जैसे ये कर्व के लिए प्रैक्टिस यूं करिए, एक दो, रुकना नहीं चाहिए, आप देखिए तीन चार, है ना, फिर इसके अपोजिट साइड में एक दो तीन चार, रुकना नहीं चाहिए हाथ, फिर कर्व थोड़ा सा यूं बनाइए, एक दो तीन चार, ऐसे यूं बनाइए, एक दो तीन चार। और प्रैक्टिस के लिए जो सफ़ेद कागज आपको खाली जहाँ जगह मिल रही है, जैसे आप सीधी लाइन भी खींचने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही ड्राइंग का मतलब ही है, है ना। फिर उल्टा कीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका हाथ उतना ही फ्री हैंड चलेगा, और जितना फ्री हैंड चलेगा बस उतने ही बेहतर कार्टूनिस्ट होते चले जाएंगे। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपके कितने काम आ रहा है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।